आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की है, क्योंकि आपके पास कभी पैसा नहीं था, कभी टाइम नहीं था, कभी रिसोर्सेज नहीं था, कभी जगह नहीं था, यू नो कुछ ना कुछ आपके पास नहीं था, और उस कमी को पूरा करने के लिए आपने एक पार्टनर को चुना, पार्टनर को ढूंढा। जब आपके पास पैसा नहीं था तो आपने वो पैसा किसी ऐसे व्यक्ति से उठाया जिसके पास पैसा था और वो आपका पार्टनर बन गया। जगह नहीं तो जगह के लिए आपने किसी को पार्टनर बना दिया। कभी कभी आपके पास पैसा था और आपके पास नॉलेज नहीं था तो नॉलेज के लिए आपने किसी को अपना पार्टनर बना दिया। तो मैंने भी ऐसा मेरे लाइफ में बहुत किया, कभी पैसे के लिए, कभी नॉलेज के लिए, कभी समय के लिए, कभी रिसोर्सेज के लिए, नो कहीं ना कहीं मैंने किसी और के साथ पार्टनरशिप किया, या मैंने अपना फेथ इस किसी ऐसे व्यक्ति में डाल दिया ये समझ कर कि ये व्यक्ति जीवन भर मेरे साथ रहेगा। पर जब जब मैंने ऐसा किया तब तब मुझ में और मुझको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हुई, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं आगे जाके वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या ब्रेक हो गया या ख़राब हो गया। तब मैंने देखा कि क्या ऐसी वजह है, कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण ये पार्टनरशिप्स नहीं चलती है या पार्टनरशिप टूट जाती है, बिखर जाती है। तो जो सबसे बड़ा रीज़न उभर के आया है वो रीज़न ऐसा है कि जब आप किसी को अपना पार्टनर बनाते हो और उसके और आपके कोर वैल्यूज़, मतलब जो मूल तत्व है आपके, अगर वो मूल तत्व आपके सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, एक समान नहीं है, उस समय पे जब कठिनाई रहती है तो बिज़नेस चलने तक, बिज़नेस को थोड़ा सक्सेसफुल होने तक वो आपके साथ एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना था, उसको भी दिखता है कि कठिनाई चल रही है। तो कठिनाई के समय आप सबका शत्रु एक ही रहता है, चैलेंजेस, कठिन परिस्थिति। तो आप दोनों उस कठिन परिस्थिति को सामना करने के लिए साथ में आ जाते हैं। लेकिन जब सौख्य के दिन आते हैं, जब कंफर्ट के दिन आते हैं, जब आराम के दिन आते हैं, जहाँ पे आपको पैसा मिलना चालू हो गया है, आपने कमाना चालू किया है, उस समय पे आपका जो मूल तत्व है, मूल कोर वैल्यू जो है आपके, वो बाहर आने चालू हो जाते हैं। फिर एक व्यक्ति जो है उसको कंटिन्यूस प्रोग्रेस चाहिए तो वापस से मेहनत करने की कोशिश करता है। दूसरा आदमी है जो है जिसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव छोटे हैं, कंफर्ट लेवल में रहने की इच्छा है, तो वो उतना एफर्ट्स नहीं डालता है। तो ये अलग अलग तरह का व्यवहार और बिहेवियर व्यक्ति करना चालू कर देता है, और उस समय पे आपके जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में दरारें आनी चालू हो जाती है और आपके पार्टनरशिप बिखरनी चालू हो जाती है। तो जब ये इस परिस्थिति को कैसे टैकल करें, तो सबसे इजी तरीका है कि जिस किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। आपके कोर वैल्यूज टेस्ट होने चाहिए, मतलब सामाजिक परिस्थिति को लेके, राजकीय परिस्थिति को लेके, हेल्थ को लेके, भगवान को लेके, जो जो अलग अलग पहलू है आपके लाइफ के, उन सब पहलुओं में आपने ये चेक करना चाहिए कि आपके उनके विचार सेम है क्या। अगर आपके विचार, आपका विचार करने का तरीका, आपका रिस्पॉन्स और उनका रिस्पॉन्स सेम है तो इस व्यक्ति के साथ आपने पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि जिस समय पे आपका और उसका जो रिस्पॉन्स है वो सिमिलर होता है, सेम होता है, सेम उस परिस्थिति को लेके, उस समय पे भले उसका नॉलेज कम ज़्यादा हो, उसके पास पैसा कम ज़्यादा रहे, आपको ये लॉन्ग टर्म में ये पार्टनरशिप बेनिफिशियल होता है, मददगार होता है और फायदेमंद साबित होता है। जहाँ पे उस व्यक्ति के विचार आपके विचारों से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं, अलग तरह के होते हैं, उस समय पे ये व्यक्ति जब अच्छी परिस्थिति आती है तब अपना मूलत स्वरूप दिखाना चालू कर देता है। उस मूल स्वरूप के साथ आप कतई कंफर्टेबल नहीं होते हो, आप उसके आदि नहीं होते हो, तो आपके और उसके बीच में दरार आना, रिश्ते में तकलीफें आना, कठिनाई आना, ये अनिवार्य हो जाता है। तो ये ध्यान रखो, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसका और आपका मूल स्वरूप, मूल स्वभाव वो सेम है कि नहीं, वो एक समान है कि नहीं, इसका आपने चेकिंग करना अनिवार्य है। थैंक यू वेरी मच फॉर listening to this audio tape. This is the Logo Guru Sudhir Kove.